नमस्कार, आज हम फलित ज्योतिष में सीरियल नंबर 14 तक पहुंच चुके हैं और आज हम ग्रहों की दृष्टि के बारे में चर्चा करेंगे। नौ ग्रह का परिचय हमने वीडियो डाला है, आप जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है। अब हम सीखते हैं ग्रहों की दृष्टि कि ग्रह कहां कहां देखते हैं। ग्रहों का अपना एक गुण स्वभाव होता है और अपनी दृष्टि होती है, तो चलिए चलते हैं हम ग्रहों की दृष्टि, जिसको अगर आप सीख लेंगे तो फिर आपको कुंडली को पढ़ने में जानने में सुविधा हो। चलिए चलते हैं। पहले हर कुंडली में या हर सब्जेक्ट हमें हम एक पत्रिका बना लेंगे, 12 खाना बना लेंगे, 12 घर बना लेंगे, जिससे कि हम और आसानी से समझ सकेंगे। ये हमारा 12 खाना बन गया। ये पत्रिका आप लोगों के सामने है। अब हम एक एक करके एक एक ग्रहों की दृष्टि के बारे में बतलाते हैं। सूर्य, नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, सूर्य हमेशा अपने स्थान से सातवां घर को देखता। कौन सा दृष्टि है? एक ही दृष्टि है और अपने स्थान से सातवां देखता। तो सातवां देखने का मतलब अब हम पत्रिका में समझाते हैं, आप और आसानी से समझेंगे। मान लो सूर्य एक नंबर में बैठा है, पहला घर में बैठा हुआ है, ये पहला घर है, राशि कुछ भी हो सकती है, ये पहला घर है। अब गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो सूर्य की सीधी दृष्टि ये सातवें घर पर होगी। समझ गए? सूर्य जहां बैठा है, कोई भी ग्रह जहां बैठा है वहीं से उनको गिनना है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7वां घर में सूर्य का दृष्टि पड़ेगा, उसको देखेगा। चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा भी अपने घर से सातवां देखता है। अब यहां हम सूर्य की जगह चंद्रमा लिख देते हैं और ये चंद्रमा हुआ, तो चंद्रमा भी अपने घर से सातवां देखता है। अभी कहीं भी बैठ सकते हैं, अगर यहां बैठेंगे तो यहां देखेंगे, वहां से गिनेंगे। अगर ये चंद्रमा यहां छठवें स्थान पर बैठ गया, छठवें घर में बैठ गया, तो हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहां उसकी उनकी दृष्टि होगी। तो अपने घर से जहां बैठे हैं वहां से वो सातवां देखने में सक्षम है, उनकी ये दृष्टि है। तो सूर्य और चंद्रमा की एक ही दृष्टि है, वो अपने घर से सातवां देखता है। ऐसे सभी ग्रह अपने घर से सातवां देखते ही देखते हैं, आगे जानते हैं। तीसरा, मंगल में आ जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, ऐसे तो हम सातवीं दृष्टि के हिसाब से बताते और आगे बताएंगे भी कि कौन कौन से ग्रह केवल और केवल अपने घर से सातवां देखते हैं, एक ही दृष्टि रखते हैं, उनको हम और कैटेगराइज्ड कर देंगे। लेकिन अभी हम क्रमवार से चलते हैं। सूर्य, चंद्रमा हो गया, अब मंगल में आते हैं। मंगल अपने घर से चौथा भी देखता है, सातवां तो देखता ही है और आठवां भी देखता है। मंगल अपने घर से चौथा देखता है, सातवां देखता है और आठवां देखता है। देखिए यहां पर अगर मंगल बैठा दिए तो अपने घर से चौथा देखेगा, 1, 2, 3, 4, अपने घर से सातवां, ये सातवां, 5, 6, 7 और आठवां भी देखता है, यहां भी देखेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8वां। तो मंगल की तीन दृष्टि, 4, 7 और 8, मंगल जहां बैठेगा वहीं से आपको गिनना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो ये मंगल की दृष्टि है। अब आते हैं बुध की दृष्टि। तो बुध की केवल एक ही दृष्टि है और वो है सातवां, अपने घर से वो सातवां देखता है। यहां कुंडली बना लेते हैं। यहां बुध बैठ गया और अपने घर से सातवां, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यहां पर उनकी दृष्टि सीधी दृष्टि होगी, एक ही दृष्टि और वो है सातवां दृष्टि।
अब आगे बढ़ते हैं। बुध के बाद में कौन सा प्लैनेट आता है क्रम से? बुध के बाद में हम लेते हैं बृहस्पति को। गुरु आ गया। अब गुरुदेव की तीन दृष्टि, देव गुरु बृहस्पति की तीन दृष्टि कौन कौन सी दृष्टि है? 5, 7 और 9। अपने घर से पांचवा देखते हैं, सातवा देखते हैं और 9 भी देखते हैं, 9वां घर भी देखते हैं। मान लो जाए गुरु यहां बैठा, बस अभी ये समझिए कि हम सुविधा के लिए प्रथम भाव में बैठा रहे हैं, ये कहीं भी बैठे वहीं से गिनना होगा आपको। तो 1, 2, 3, 4 और ये पांचवा, इनकी दृष्टि यहां, सातवा तो देखते ही हैं और 9वां 7, 8, 9 यहां भी देखेंगे। देख लीजिए, गुरु अपने घर से 5, 7 और 9 ये दृष्टि रखते हैं। अब आते हैं शुक्र की। तो शुक्र की केवल एक दृष्टि है, वो देखते हैं सातवां अपने से। शुक्र अपने से सातवां देखते हैं। शुक्र ग्रह यहां अगर बैठे, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, शुक्र ग्रह यहां बैठे तो अपने से बस सातवां देखेंगे और कहीं नहीं देखते। अब आते हैं शनिदेव। तो शनि ग्रह, तीन दृष्टि इनकी है और शनिदेव देखते हैं अपने से 3, 7 और 10। ये शनिदेव अगर यहां बैठ गए तो अपने से 3 देखेंगे, 1, 2, 3 यहां इनकी दृष्टि। सातवां, हर ग्रह सातवां देखता ही है, ये यहां देखेंगे सातवां घर में, ये तीसरा घर है। उसके बाद दसवां, ये दसवां घर है, तो यहां इनकी दृष्टि होगी। ठीक से समझ लीजिए, शनिदेव की तीन दृष्टि और 3, 7, 10 वो अपने घर से 1, 2, 3 और ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये दसवां देखते हैं। तो शनि देव की तीन दृष्टि। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो 7 मुख्य ग्रहों की बात हुई, अब हम राहु केतु को देखते हैं। तो राहु व केतु की तीन दृष्टि है, कितने दृष्टि? 3 दृष्टि, वो है 5, 7 और 9। किसी ने कहा हमसे, किसी ने चर्चा कर दिया, उन्होंने कहा कि महाराज राहु और केतु तो गुरु के समान दृष्टि रखते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। गुरु के समान दृष्टि मतलब 5, 7, 9 गुरुदेव भी देखते हैं, परंतु गुरु के समान दृष्टि कहने का अर्थ ये हो जाएगा कि राहु और केतु गुरु के समान फल दे रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। राहु शनिवत है, केतु कुजवत है, तो ये गुरु के समान फल नहीं देंगे, गुरु के समान दृष्टि नहीं कहेंगे। इनकी 3 दृष्टियां हैं और 3 दृष्टि गुरु के भी हैं, लेकिन फल में अंतर है, ये जान लीजिए। गुरु के समान कहने का अर्थ ये था उनका, मतलब वो शायद समझने में भेद कर दिए। ये 5, 7, 9 देखते हैं अपने से 5, ये राहु और केतु, ये राहु और केतु, तो ये अपने से 5 देखेंगे, 1, 2, 3, 4 ये पांचवा, सातवा देखते ही हैं और 9वां दृष्टि भी देखेंगे, यहां भी देखेंगे राहु के। तो अपने घर से 5, 7 और 9 जहां बैठे हैं वहीं से आपको काउंट करना है 5, 7, 9। अब दृष्टियों के बारे में एक चीज और जान ले, इनका प्रभाव क्या होता है ये हम बाद में चर्चा करेंगे। ये आप लोगों ने ये जान लिया कि कितनी दृष्टि होते हैं और कहां से बैठ के कहां देखते हैं। आप ज्योतिष शास्त्र का जब किताब उठाते हैं, कोई भी सिंपल सा कोई भी किताब उठाएं, भृगु संहिता हो, बृहद पराशर हो, कोई भी किताब, तो उनमें दृष्टियों के बारे में बहुत बृहद चर्चा की हुई है। कैसे? एक होता है पार्श्व दृष्टि, यहां बैठे ग्रह बहुत सी जगहों को देख सकते हैं,
परंतु वो चतुर्थांश दृष्टि है, कोई तृतीयांश दृष्टि देख रहा है, लेकिन हम पूर्ण दृष्टि को ही काउंट करते हैं, क्योंकि पूर्ण दृष्टि में उनका पूर्ण फल होता है, 100% फल होता है। तो हम जो लेते हैं ज्योतिष शास्त्र में, कोई भी जब पत्रिका में हम जब हम देखते हैं तो पूर्ण दृष्टि को ही देखते हैं। ये जितने भी मैंने अभी चर्चा किया है वो पूर्ण दृष्टि का है, और कोई भी दृष्टि को अभी देखने की आवश्यकता नहीं, उन दृष्टियों को हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में पढ़ा देते हैं। लेकिन ये पूर्ण दृष्टि है, और पूर्ण दृष्टियों में वो फल करते हैं, उस स्थान को प्रभावित करते हैं। तो आज हम लोगों ने जाना कि ग्रहों की दृष्टि कौन कौन सी है, कहां कहां वो देखते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगले पाठ में और विशेष चर्चा करेंगे, और आप क्रम से पढ़ रहे होंगे यही आशा करते हैं। कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए। कुंडली विश्लेषण कराना हो तो सामान्य सा फीस है हमारा, कुंडली विश्लेषण भी आप करा सकते हैं, चाहे वो वीडियो कॉल के माध्यम से हो, चाहे ऑडियो कॉल के माध्यम से हो, चाहे चैट के माध्यम से हो, आप कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं, कुंडली मिलान भी करा सकते हैं। अगर आपको हम पर भरोसा है तो पूजा पाठ भी आप करा सकते हैं। हम कथावाचन भी करते हैं, कर्मकांड भी करते हैं, और सब कार्य जितने भी उपरोहित या जितने भी पौरोहित कर रहे हैं वो हम करते हैं। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।